एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इसमें राइट साइड में आपकी एनर्जी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी, और अगर आप सिंगल हैं तो आप सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप दोनों की आज की एनर्जीज तो ये है गाइज, आपकी एनर्जी ये है आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड, वी हैव थ्री ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स, तीनों वांड्स, फायर, हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ चैलिसेस, ओवरऑल एनर्जी वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादातर व्यूवर्स की एनर्जी आज के दिन ऐसी है जैसे पैसे को लेकर किसी से बहस होगी आज आपकी, सैलरी को लेकर, पैसे को लेकर, प्रमोशन को लेकर, कहीं ना कहीं किसी न किसी से आपकी बहस होते नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे आज के दिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जानबूझकर डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, और ये चीज़ आपको खलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार जब मेरे पास सब कुछ था तो सब चिपके हुए थे, और अब मेरे पास कुछ चीज़ों की कमी है तो मेरे से लोग दूर जा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सेल्फिश होते हैं। जब तक आपके पास पैसे हैं, आप उन पर उड़ा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो आपको बड़ा प्यार दिखाएंगे। जैसे ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि आप मुश्किल में हैं, अब आपकी वो सिचुएशन नहीं रही, तो वो दूर भागना शुरू कर देते हैं, कॉल इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ होगी कि आपको अर्जेंटली किसी से पैसे की ज़रूरत है। आपने एक्सपेक्ट किया कि यार मैंने उसकी इतनी मदद की है तो हो सकता है वो मेरी मदद कर दे, लेकिन आप डिसअपॉइंट होंगे। अगर आज के दिन आपको किसी से हेल्प चाहिए तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, डिसअपॉइंट कर देगा, और आपको ये चीज़ें बहुत खलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है बच्चू, आगे आएंगे, समय मेरा भी आएगा तब बताएंगे। ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ होगी। इसके अलावा आज के दिन कुछ लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे, इतना स्पाई करेंगे कि आपकी दिल से ये इच्छा होगी कि काश कि मैसेज आ जाए, तुरंत से मैसेज आ जाए। और कुछ लोगों के साथ ये मिरेकल होगा, आप जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं वो व्यक्ति सडनली आपको मैसेज या कॉल करेगा या करेगी। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट की वाइब्स है। ऐसी विश जिसके लिए आपने बहुत टाइम से वेट किया है, अगर अदर देन लव लाइफ बात करें तो भी हो सकता है आपने किसी जॉब का वेट किया हो, हो सकता है आपने किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट किया हो, किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हो बहुत समय से, कोई भी मतलब कोई विश आपकी आज के दिन पूरी हो सकती है। वी हैव डबल नाइन विद हैंगमैन। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत समय से किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, बट किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। जिस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का या उसके अगेंस्ट कुछ अत्याचार आपके साथ हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट स्टैंड लेने की वाइब्स है। जैसे कई घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों पर बहुत प्रेशर करते हैं, हमारी मर्ज़ी से ही पढ़ना है, हमारी मर्ज़ी से ही नौकरी करनी है, हम जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना है, इस तरह की सिचुएशन। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं किसी सिचुएशन में, आप उस सिचुएशन के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की इच्छा ये है कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, और आप इस बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव हैंगमैन विद सेवन ऑफ वांड्स। आपके मन में कई बार ऐसी भावनाएं आती हैं कि शायद मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है और वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन सडनली आपके माइंड में एक दूसरी भावना भी आती है कि अगर छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी या कहाँ जाऊँगा, मैंने इतने साल उसका वेट किया है, मेरी ज़िंदगी में मैं फिर से शून्य पर आ जाऊँगा या आ जाऊँगी,
ये वाली भी बात साइड बाय साइड चल रही है, जिसको लेकर आप थोड़े फियरफुल एनर्जी में हैं, आपको घबराहट हो रही है। नेगेटिव चीज़ और पॉजिटिव चीज़ एक साथ चल रही है। अब आपको कौन सी एनर्जी ज़्यादा पिक कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ लोग आज किसी जर्नी पे निकल सकते हैं, शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी, बट किसी तरह की जर्नी, ट्रैवल की एनर्जी है। आपके पर्सन की तरफ फर्स्ट एनर्जी वी हैव 10 of Wands, इनकी भी फायर एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हुई है। देन वी हैव 7 of Chalices, 2 of Chalices, द मजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ चैलिसिस। आज के दिन आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, रोमांटिक एनर्जी में है, वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी है वाटर 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 वाटर। तो डेफिनेटली जैसे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, आपको इमेजिन करना, आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए अपने परिवार से लड़ जाना, किसी न किसी तरीके से आपके बारे में अपने परिवार को बताना कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है या मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा हमेशा अच्छा चाहती है या चाहता है, अपनी फैमिली को आपके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताना ताकि इकट्ठे से शौक ना मिले, कुछ इस तरह की सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूनियन में आ चुके हैं, तो बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर नो कांटेक्ट में हैं तो क्लेम कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन वापस आ जाएंगी या वापस आ जाएंगे आज के दिन में। बहुत सारे यूनियंस हो सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे आज के दिन में कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कुछ सिचुएशंस एंड हुई हैं या होने वाली हैं, स्पेशली कोई बर्डन, किसी नेगेटिव सिचुएशन से मुक्त होने की वाइब्स है। साथ ही साथ परमानेंट यूनियन या परमानेंट कमिटमेंट के बारे में बातचीत करने की भी एनर्जी है, जैसे इनके ऊपर कोई प्रेशर दिया जा रहा हो फैमिली के द्वारा और ये बता दें कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी या करूँगा, तो ये सिचुएशन के कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इवन इनकी फैमिली में, कुछ लोगों की फैमिली में तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, चीज़ें बैलेंस आउट रहेंगी, बट कुछ लोगों की फैमिली में थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होगा। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आज का दिन आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग होगा। सुबह सुबह इनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, इवन नाइट में भी इनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बट आफ्टरनून से लेके इवनिंग का टाइम इनके लिए अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि मॉर्निंग में ये बहुत अच्छे से बात करें और इवनिंग में आप कुछ इनको इमोजी भेजो या कुछ इनसे बात करने की कोशिश करो तो ये इग्नोर कर दे बिल्कुल। आपको ऐसा लगेगा एक पल के लिए कि यार सुबह तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे या कर रहे थे, अभी क्या हो गया। बट इनका मूड स्विंग होगा आज, कोई प्रेशर या कोई बर्डन के कारण भी हो सकता है या फिर इनके किसी अपने की तकलीफ के कारण भी हो सकता है। अपने की तकलीफ मतलब जैसे कुछ लोगों के पर्सन के साथ ये सिचुएशन होगी कि इनका कोई अपना या तो बीमार है या तो इनका कोई पेट बीमार है या पेट से दूर है या पेट से रिलेटेड कोई तकलीफ है, लोग पेट से बहुत अटैच्ड होते हैं, तो ये सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। किसी कारण से मूड ख़राब। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर किसी बड़े पद पे हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या पब्लिक इमेज हैं तो आज का दिन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ये अपनी लाइफ से रिलेटेड, परमानेंट कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, नहीं, ये अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ कुछ डिसीजंस लेंगे और इन्होंने उसकी पूरी प्लानिंग भी कर रखी है, इन्होंने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि क्या करना है कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिसीजन होगा। तो सडनली आपको ऐसा दिखेगा आपके पार्टनर की एनर्जी में कि ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं या ये अपने परिवार में आपके बारे में बात कर रहे हैं या ये आपको इन्वाइट करें अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली से मिलने के लिए या आपकी फैमिली में मिलने के लिए। इस तरह की सिचुएशंस आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। ओवरऑल दोनों तरफ ठीक एनर्जी है, कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिखा, एनर्जी इज़ वेरी गुड। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।